हम लोग चैतन्य चरित्रम्रता का इस लेक्चर में ओवरव्यू पढ़ रहे हैं ओवरव्यू मतलब एक संक्षिप्त में उसका सार देना चाहता हूँ मैं चैतन्य चरित मृत्य के कंटेंट्स क्या है चैप्टर्स क्या है उसके सेक्शंस या खंड कितने हैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा फिर हम उसके अंदर फिर हम फिर हम आ, फिर हम चैतन्य चरित्रम्रता को जूम इन करेंगे अभी मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ इसको वेल uh, well, चैतन्य चरित्रम्रता क्या है uh, चैतन्य चरित्रम्रता में दो खंड दो पार्ट्स हैं आदि लीला और शेष लीला वैसे तो अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको आदि लीला मध्य लीला और अंत्य लीला मिलेगी मगर अगर, अगर कृष्णा के विराज गोस्वामी की किताब पढ़ेंगे आप चैतन्य चरित्रम्रता तो वो खुद कह रहे हैं मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ आदि लीला और शेष लीला अब दो पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहे हैं वो क्योंकि आदि लीला में उन्होंने चैतन्य आदि लीला में उन्होंने एक तो सिद्धांत की चर्चा की है चैतन्य चरित अमृता के पहले चौदह श्लोक फर्स्ट चैप्टर आदि लीला के फर्स्ट चैप्टर में उस पहले चौदह श्लोक के अंदर उन्होंने चैतन्य चरित अमृता का सारा सिद्धांत रख दिया है कि महाप्रभु कौन हैं क्यों अवतरित हुए थे उसके बहिररंग कारण क्या है अंतरंग कारण क्या है ये सारी चीज़ चर्चा की और महाप्रभु के भक्तों की नित्यानंद प्रभु अद्प्याचार्य भक्तों भक्तों की उनकी चर्चा की और ऑफ कोर्स एक बंगाल में एक सॉन्ग है कि तीन पागल आदमियों ने नवदीप के सारे पूजा और क्रियाओं को भ्रष्ट कर डाला और तीन पागल कौन थे चैतन्य महाप्रभु अद्वैचार्य नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु पेड़ कताना है तो अद्वैत और नित्यानंद प्रभु दो प्रधान शाखाएं जिनकी फिर उप शाखाएं वो सारी चर्चा है और फिर आदि लीला में कृष्णदास के विराज गोस्वामी ने चैतन्य भागवत में जो वृंदावन दास ठाकुर ने लीलाएं वर्णन की है उसको संक्षिप्त में उन्होंने लिख दिया है एक एक श्लोक में बस थोड़ा थोड़ा जैसे उदाहरण के लिए चंद्रशेखर आचार्य के यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने देवी का रूप धरा देवी लीला की अब आ, उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे यह उदाहरण के लिए चैतन्य महाप्रभु ने नमाए ने मतलब निमाए उनको निमाए कहते थे जब नवदीप में लीला की या नवदीप में उन्होंने फॉर एग्जाम्पल कुछ चोर आए थे उनके घर और निमाए को उठा के ले गए उनके ऑर्नामेंट्स चोरी करने के लिए गहने तो फिर से जब वो लेके गए तो जब घूमते रहे घूमते रहे फिर से उनके घर ही पहुंच गए तो उन्होंने बस एक ही श्लोक में लिख दिया है जो भी चैतन्य भागवत में वृंदावन वृंदा दास ठाकुर ने निमाए महाप्रभु के नवदीप लीला का वर्णन किया उसको एक एक श्लोक में वर्णन कर दिया क्यों कृष्णा के कवराज गोस्वामी ने कहा मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ जो उन लीलाओं को दोबारा से वर्णन करूँ इस किताब में उसके दो कारण हैं कि एक तो किताब बड़ी हो जाएगी और दूसरा कारण ये है कि ये जो किताब है इस आ, अगर मैं दोबारा वर्णन करूँगा तो वृंदावनदास ठाकुर के प्रति अपराध हो जाएगा वो पहले ही कर चुके हैं और इतनी अच्छी तरह कर चुके हैं कि उससे ज़्यादा अच्छी तरह मतलब ऐसा नहीं है कि, कि मैं कर सकता हूँ उससे अच्छी तरह वो कोई क्वेश्चन नहीं है अगर स्वामी कह रहे नहीं मैं अपने आप को दिखाना नहीं चाहता बल्कि तीसरा कारण ये था कृष्णा कृष्णाग्रज गोस्वामी इनडायरेक्टली हमें कह रहे हैं कि ठीक है मैंने बता दिया चंद्रशेखर आचार्य के यहाँ महाप्रु ने देवी लीला की अब डिटेल जाननी है तो रेफर करो चैतन्य भागवत कृष्णा कर स्वामी हमें मजबूर कर रहे हैं वो किताब पढ़ने के लिए ऐसे उदाहरण के लिए जब हम लेक्चर देते हैं या कोई किताब लिखते हैं इसकॉन में भी तो हमारा एम क्या होता है कि हमारे लेक्चर से हमारी किताब से लोगों को प्रेरणा मिले प्रभुपाद जी की बुक पढ़ने में क्योंकि हम नहीं समझते कि हमारी किताब से कोई कोई चेंज होगा उसकी लाइफ प्रभुपाद की किताब से तो हम लोग इस तरह लेक्चर देते हैं इस तरह किताब पढ़ते हैं लिखते हैं कि इससे प्रभुपात के चरणों तक पहुँचा दें कृष्णा कविराज गोस्वामी भी दास चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास उनका आदर करते हुए रीडर्स को बोल रहे हैं चैतन्य भागवत पढ़ो भक्ति संदा सोशी ठाकुर अपने मठ में चैतन्य भागवत पढ़ने को बोलते थे पहले फिर चैतन्य चरित उसका एक कारण ये भी था कि चैतन्य चरित्र बहुत फिलॉसफिकल है मैं बताऊँगा सिद्धांत से परिपूर्ण सिद्धांत चैतन्य सिद्धांत को प्रकट करने के लिए ही चैतन्य चरित मृता लिखी है उसको प्रकट करने के लिए बट दूसरा कारण ये था कि चैतन्य भागवत जो है वो उसमें एक तो सिंपल है सिंपल बंगाली में सिद्धांत है मगर छुपा हुआ है पास में लीलाएं चल रही हैं महाप्रभु की और सॉन्ग्स हैं बड़े सारे दास ठाकुर ने कई सुंदर सुंदर सॉन्ग्स लिखे निमाए नित्यानंद प्रभु और भी कई लीले तो उन्होंने कहा ठीक है आप पहले वो पढ़ो किताबें चैतन्य भागवत इनफैक्ट उसका एक और कारण ये भी था कि चैतन्य भागवत में नित्यानंद प्रभु की बहुत महिमा गाई हुई है वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के शिष्य थे तो एक तरह से नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु प्राप्त होंगे तो पहले वो पह, पहले वो भूमिका बन जाए निताय की कृपा के बिना गौरंग महाप्रभु की प्राप्ति नहीं होती इसलिए उन्होंने कहा और कृष्णा के गोस्वामी भक्ति शांत ठाकुर ने एग्जैक्टली चैतन्य चरित्रम्रता की स्पिरिट को फॉलो किया स्पिरिट मतलब चैतन्य चरित्रमृता को जिस तरह कृष्णदास विराज गोस्वामी ने लिखा जिस जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी की मंशा थी कि ये किताब पढ़ने वाले चैतन्य चरित्रमृता पहले चैतन्य भाग्य ये किताब उनको चैतन्य भागवत तक ले जाए शुरू में और वो बुक पढ़ने पर विवश करें भक्ति श्री ठाकुर ने वही गौड़िया मठ में सबसे प्रार्थना की कृष्णदास के विराज गोस्वामी के भाव को समझते हुए एनीवे anyway, तो ये आदि लीला में ये सारी चीज़ें थी अब शेष लीला क्या है अब चैतन्य भागवत को अगर आप पढ़ेंगे तो चैतन्य भागवत में निमाय पंडित या चैतन्य महाप्रभु की नवदीप लीलाएं, 24 साल से पहले सन्यास से पहले प्लस प्लस कुछ लीलाएं हैं जो आ, हाँ सन्यास से पहले की हैं बस नवदीप लीलाएं अब सन्यास के बाद की लीलाएं क्या क्या होगा वो तो चैतन्य भागवत में नहीं है तो उन लीलाओं को डिस्कस करने के लिए उन्होंने शेष लीला नाम दिया आदि लीला शेष लीला अब जितने भी लीलाएं वो मैं सन्यास के बाद जो लीलाएं हैं उनको डिस्कशन करूँगा इनफैक्ट कुछ लीलाएं हैं सन्यास के बाद भी महाप्रभु की चैतन्य भागवत में वो कुछ ही हैं थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है तो वो डिस्कस करने वाला हूं मैं इसलिए उसका नाम शेष लीला रखा शेष लीला मतलब जो बची हुई लीला है वो तो चैतन्य भागवत में डिस्कस नहीं हुई है इसलिए उसका शेष लीला नाम रखा और इसलिए इसलिए भी रखा नाम क्योंकि इस शेष लीला में कृष्णास का विराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की आ, के शेष मतलब होता है बचा हुआ भी होता है एक तो और शेष मतलब होता है कि सार जैसे आ, तो ऐसे मान लीजिए हम कहें भी सारी बात की एक बात बता दो बस तो शेष का मतलब वो भी है शेष तो शेषलीला में कृष्णा के स्वामी ने चैतन्य लीला का सार हमें दिया है चैतन्य लीला का सार क्या है चैतन्य महाप्रु के, तो के, के उपदेश तो शेष लीला में रामानंद राय के बाद के बीच में डिस्कशन है रूपा गोस्वामी को उपदेश है सनातन गोस्वामी को उपदेश है और फिर उसके बाद सरम भट्टाचार्य को उपदेश है उनको मायावाद से कन्वर्ट किया उन्होंने और फिर उसके बाद उन्होंने उन्होंने बाद में उपदेश भी दिया और ये भी दिखाया कि प्रेम क्या होता है अपने आचरण से प्रेम की चरम अवस्था क्या है इसलिए उसका नाम शेष लीला रख दिया अब शेष लीला को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने दो पार्ट में डिवाइड किया मध्य लीला आदि लीला वो क्यों किया सॉरी 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 मध्य लीला और लीला आदि लीला में 17 चैप्टर्स हैं मध्य लीला में ट्वेंटी फाइव लीला में बीस तो शेष लीला को क्यों डिवाइड करने की जरूरत पड़ी मध्य लीला और अंत लीला में वेल well, मध्य पॉइंट यह है कि प्रभु का जो सन्यास लीला है उसमें पहले छः साल गमन आगमन चैतन्य महाप्रभु कभी आ, तो चैतन्य महाप्रभु कभी वृंदावन जा रहे हैं फिर आ रहे हैं फिर साउथ इंडिया ट्रिप पे चले गए तो चत्यनपुर ने इस तरह से आए और गए प्रीचिंग कर रहे हैं कहीं नवदीप से भी कहीं भक्त आते थे, थे चतुर्माश्य में उनके साथ भी लीलाएं कर रहे हैं रूपा गोस्वामी से मिले रामानंद राय से मिले साउथ इंडिया में तो गमन आगमन जगन्नाथपुरी से वो जा रहे थे फिर आ रहे थे फिर जा रहे थे फिर आ रहे थे प्रीचिंग पर्पस के लिए तो मध्य लीला में संन्यास के बाद जो महाप्रभु ने प्रचार किया छः साल वो है उनकी लीलाएँ और फिर उसके बाद लीला में जो आखिरी के 18 साल हैं उनके बारे में चर्चा है उन 18 सालों में भी जो पहले छः साल हैं वो फिर भी डिबोटी से मिलते थे इंटरेक्शन करते थे दिन में और उनको उपदेश देते थे जैसे जैसे लीला में तो अंत्यलीला में रघुनाथ दास गोस्वामी से मिले जगदानंद पंडित के साथ लीलाएं की अद्भ्याचार्य के साथ हुआ लीलाएं तो ये सारी लीलाएं हुई अंत लीला में वो डिस्क्राइब कर रहे हैं छोटा हरिदास हरिदास ठाकुर ये सारी चीज़ें हैं पहले छः साल और आखिरी के बारह साल वो मेन चीज़ है अंत्यलीला का सब्जेक्ट मैटर आखिरी के बारह साल महाप्रभु गंभीरा में सिर्फ बैठ के रोते रहे भगवान के विरह में महाप्रभु ने दिखाया कि भक्ति कैसे करनी है विरह क्या होता है विरह हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का लक्ष्य है जो भ्रम जिज्ञासा है वही विरे में बाद में बदल जाती है इसलिए आप ध्यान देंगे मैं लेक्चर में बाद में बताऊंगा मध्य लीला की शुरुआत मध्य लीला का जो चैप्टर थ्री है वो है भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आ, ने सन्यास लेने के बाद वृंदावन को ढूंढने चले गए वृंदावन की ओर भाग गए और बंगाल में घूमते रहे जंगलों में घूमते रहे रोते हुए हा कृष्ण हा कृष्ण रोते हुए अथात वह ब्रह्म जिज्ञासा कृष्ण को ढूंढने के लिए और वो जिज्ञासा ही बाद में अंत लीला का जो अंतिम अध्याय है वो है महाप्रभु का महाप्रभु के एक्सट्रेसी महाप्रभु का विरह वही जिज्ञासा प्रगाढ़ होते होते विरह में बदल गई कृष्ण को जानने की इच्छा थी कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा थी वो बढ़ते 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 विरह भक्ति में बदल गई तो लीला में आखिरी के बारह साल महाप्रभु ने क्या किया ये बारह साल बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए महाप्रभु धराधाम पे आए थे कृष्ण प्रेम बांटने और कृष्ण प्रेम आस्वादन करने तो आखिरी के 12 साल अंत लीला में कृष्णा कर स्वामी ने दिखाया कि कैसे महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम का आस्वादन किया राधा रानी के भाव में तो हमें भी सिखा रहे हैं कि बांटो प्रेम और खुद आस्वादन करो हमें भी सिखा रहे हैं आस्वादन नहीं करोगे तो बांटोगे क्या तो बांटना भी सिखा रहे हैं लीला में और मध्य लीला में गमन आगमन प्रीचिंग और आखिरी के बारह साल अंते लीला में आस्वादन करना भी सिखा रहे हैं इनफैक्ट महाप्रभु का जो मेन रीज़न था मेन uh, अंतरंग कारण था इस संसार में अवतार लेने का वो आस्वादन करना ही था चैतन्य महाप्रभु ने राधा का प्रेम आस्वादन करने के लिए है। प्रचार तो आनुषंगिक रूप में हुआ सेकेंडरी रूप में हो गया बस आस्वादन कर रहे हैं तो बांटने का मन भी क्या बांट दिया मगर आस्वादन करना मेन पर्पज़ था तो आखिरी बारह साल उन्होंने आस्वादन किया और सिखाया कैसे आस्वादन किया जाता है भगवान का प्रेम और कैसे वहाँ तक पहुँचा जाएगा उस आस्वादन करने की स्थिति पे कैसे पहुँचें वो भी चैतन्य चरितम्रता में हमें सिखाया मध्य लीला में वहाँ तक पहुँचने के लिए मध्य लीला और अंत्य लीला की शुरुआत ये चैतन्य चरितम्रता का पूरा फ्रेमवर्क है चैतन्य चरितम्रता कि वैसे अगर देखेंगे तो शुरुआत सिद्धांत से होती है आदि लीला के पहले चौदह श्लोक सिद्धांत है और अंत का हुआ अंत लीला का आखिरी चैप्टर बीसवा अध्याय शिक्षाष्ट्रगम वो भी पूरा सिद्धांत है शुरुआत हुई महाप्रभु कौन है अंत हुई महाप्रभु ने क्या बताया है शुरुआत हुई चैतन्य महाप्रभु के बारे में अंत हुई चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है जैसे कि हम कहते हैं कृष्ण लीला और कृष्ण कृष्ण लीला और कृष्ण उपदेश और शुरुआत फिलॉसफी से सिद्धांत से अंत सिद्धांत से बीच में क्या है बीच में भी पूरा सिद्धांत रूपा गोस्वामी शिक्षा सनातन गोस्वामी शिक्षा रामानंद राय शिक्षा ही चल रही हैं चैतन्य चरित्रमता का मेन फोकस चतने चतने है शिक्षा पे लीलाएं भी हैं फोकस शिक्षा पे बाकी और किताबें चैतन्य भागवत चैतन्य मंगल उनका मेन फोकस लीलाओं पर है शिक्षाएँ भी हैं मगर वो छुपी हुई हैं सेकेंडरी है इसलिए चैतन्य चरित्रम्रता लिखने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि महाप्रु के अनुयायियों को शिक्षा इम्पॉर्टेंट है क्या सिखाने हैं वरना उनका मिशन फेल है और आदि लीला अगर अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य देखें तो आदि पूरी चतन चरित प्रेम की चर्चा कर रही है आदि लीला में प्रेम का आश्रय बताया है तभी तो इतने सारे भक्त हैं भक्तों का हृदय प्रेम का आश्रय द बेसल ऑफ लव और मध्य लीला में साधना बताइए उस प्रेम को प्राप्त कैसे करें और अंत्य लीला में उन्हीं उसी प्रेम को महाप्रभु ने क्रियाओं में रख दिया देखो ये प्रेम है प्राप्त करना है तो देखो ये प्रेम है और उसी प्रेम को शब्दों में रख दिया में रूप में तो इसलिए चैतन्य चरित्रमृता बिना पढ़े तो कृष्ण लीला तो संभव ही नहीं है चैतन्य चरित्रमता दरवाज़ा है डोर है वृंदावन पास्टाइम वृंदावन व्रज में प्रवेश करने के लिए अगर कोई दरवाज़ा तो चैतन्य चरित्रम्रता है इनफैक्ट चैतन्य चरतम्रता सेकेंडरी बुक नहीं है प्राइमरी बुक है चैतन्य चरित्रम्रता के बिना भागवतम का को कोई मतलब ही नहीं है ना उसमें प्रवेश कर सकते हैं और यही चैतन्य चरित्रम्रता के बारे में हम और डिस्कस करेंगे डिटेल्स में आगे चल के हरे कृष्ण शिला प्रभा की जाए